अब भी हम अनप्रिडिक्टेबल जोन में लेकिन जो शुक्रवार का लो था ना वो जो 693 था वो मीनिंगफुल लो नहीं था मीनिंगफुल लो था शुक्रवार का जिसको आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं एज पर टेक्निकल नोट एक्सपेक्ट एग्जैक्टली फ्रॉम डेरेविटिव क्या था वो मैं आपके लिए स्पेशली वो चार्ट लिखा सुबह की शुक्रवार की कमेंट्री मैंने इसलिए रखी थी जानबूझ के कि वो एक लेवल टेस्ट होना था दैट वाज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एग्जैक्टली exactly हमने उसी को टच किया जो मैंने तीन लेवल्स दिए थे शुक्रवार को कि ये वो पॉइंट है अगर 693 ब्रीच हुआ तो यहां पे जाएगा बाजार और इसको टारगेट करके ही कोई मीनिंगफुल पुल बैक देगा पुल बैक आ गया है लेकिन कॉन्फिडेंस रजेक्ट्री रीगेन नहीं हुई है अभी ये ट्वेंटी वेमा आशीष वो है जो कि हम नवंबर दो से मीनिंगफुली इसको होल्ड करते कभी हमने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है और क्योंकि शुक्रवार को यही लो है तो हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे कन्विक्शन कब आएगा जब तक हम 25050 की ट्रजेक्टरी को रीगेन ना कर जाएं तब तक कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक आपको इसी अनप्रेडिक्टेबल जोन में ट्रेड करना पड़ेगा मैं शुरुआत से शुरुआत मतलब करता हूं स्टैट्स एफआईस के स्टैट्स पे आते हैं आशीष पहले देखिए एफआईस ने बहुत आ, कोई बड़ा बदलाव नहीं किया कैश की सेलिंग उनके आशीष अभी भी कंटिन्यू है आप उनके लास्ट सेशन के फिगर्स को देखिए चौवन सौ छियासी करोड़ रुपए की सैलिंग बावन हजार चौदह करोड़ रुपए का डीआईएस ने मैच कर दिया फिगर इंडेक्स उन्होंने बाय किया छह सौ अस्सी करोड़ रुपए का दैट मीन्स थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी करीब साढ़े साठ सौ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए बैंकिंग में काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी एफ आई एस की और आई टी में भी कुछ चुनिंदा काउंटर्स में जब आप ओ आई देखें इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स के तो बत्तीस सौ इक्कीस करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर से बाइंग करीब बयालीस हज़ार कॉन्ट्रैक्ट कम कर लिए हालांकि उनके इंडेक्स के शॉर्ट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया हाँ ये है

लेकिन मेरा सरोकार है 800 की पुट पे और वो क्यों वो पिरा दिखाएंगे पच्चीस हजार चौबीस नौ सौ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल और आठ पहले बेस लेकर आइएगा देखिए हमने एक ट्वेंटी शुक्रवार को जिस पुट ने ओ आई गेन किया वो थी चौबीस आठ सौ अब हमें शॉर्ट नहीं करना है।

उन्होंने इस मूव को स्पॉन्सर किया वहां पे मैं अभी भी आश्वस्त हूँ इक्यावन पांच सौ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, राइटिंग रहेगी देखिए कुछ अर्निंग्स का रिएक्शन देना है हमें टेक्निकली उसको डिफाइन कर देते हैं यहां पर लेके आइएगा बेस वन टिल द टाइम वी करेंगे चाहे कितनी भी सॉफ्टनेस हो लेकिन हमारी जो बेस वन की रिजेक्ट्री है इक्यावन आठ सौ दस सात सौ यहां पे टेन फिफ्टी डिमां प्लेस्ड है यहां तक के डिप को बाय करेंगे ट्रेड को चेक करना है आर एस वन के आसपास यहां पे अपने प्रॉफिट्स को शायद आप बुक भी कर सकते हैं अगर निफ्टी रजिस्टर कर रहा है बट निफ्टी बैंक में नेक्स्ट वींक तब आएगा जब आप फाइव फोर्टी के ऊपर स्टेबल हो जाएंगे आशीष लीजिए भाई साहब यह है निफ्टी निफ्टी बैंक की इस हफ्ते की ओपनिंग स्ट्रेटजी आज मंडे के लिए